कैसे हैं आप? ठीक है जी। बेटा वैसे तो हमारी बेटियों के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार है। ये सब क्या है पापा? सब अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आए हैं, हमने तो कह दिया जो होगा तुम्हारी मर्जी से। हाँ, तुम्हारे जैसा दामाद पाकर कोई भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। बेटा तुम हम में से किसी की भी बेटी से शादी के लिए हाँ कहो तो हम सबको बहुत खुशी होगी। अब सब तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथों में नहीं, मेरी माँ के हाथों में। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि इन्हीं की पसंद से शादी करूँगा। बताइए मॉम, इनमें से किसकी बेटी पसंद है? चिट्टी ही मेरी बहू बनेगी। चिट्टी मेरी दोस्त थी, हमें एक साथ पले बड़े हैं। श्रीवल्ली में मेरे पापा के दोस्त रहते हैं धनंजय। चिट्टी उन्हीं की बेटी है। बचपन में ही मेरी शादी उससे तय हो गई थी। परिवार के सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। चिट्टी बड़ी होकर हमारे घर की बहू बनने वाली थी। अब निकलते हैं भाभी। अच्छा, चिट्टी मेरे पास आ। मैं नहीं आऊंगी, मुझे आंटी के साथ ही रहना है। इसे 2-3 दिनों के लिए यहीं पर छोड़ दो ना। अच्छा ठीक, अच्छा चलते। मालिक, धनंजय जी की कार का एक्सीडेंट हो गया। मालिक, भाभी मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बेटी को माँ का प्यार देंगी और बड़ी होने पर अपने घर की बहू बनाएंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, चिट्टी मेरी बहू बनेगी। और उस दिन से मेरी मॉम ने चिट्टी को अपनी बेटी जैसा पाला। लेकिन एक दिन, रामचंद्र जी, इन्होंने वादा किया था कि पंचायत का प्रेसिडेंट बनते ही ये जमीन के कागजात लौटा देंगे। आपके कहने पे हमने इन्हें प्रेसिडेंट बनाया था और इन्होंने हमारी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए किसी और को बेच दी। एक किसान की आंखें हमेशा आसमान की तरफ होती हैं और तुझ जैसे गलत इंसान की झुकी हुई होती हैं। तुम प्रेसिडेंट पद के लायक नहीं, अभी रिजाइन करो। तुम्हारे पति ने मेरी बेइज्जती करके ठीक नहीं किया है, उसे और गांव वालों को दिखाऊंगा ये धनंजय क्या बड़ा है। मैं चिट्टी को अपने घर की बहू मान चुकी थी। पापा, अंकल गांव से क्या चले गए, उन्होंने हमें भुला दिया। चिट्टी की माँ गुजर गई और वो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन मॉम ने आज तक अपना दिया हुआ वादा नहीं भूला है। मॉम के लिए आप ही उनके सब कुछ हैं, आपको भी उनके जज्बात समझने चाहिए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे का रिश्ता पहले से तय हो चुका है। अरे आइए आइए आइए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा। दोस्तों, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, गांव के सरपंच बन गए हैं। ठीक कह रहे हो ना, ये सब यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं। अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं, बैठिए बैठिए। हाँ तो कहिए, कैसे आना हुआ? बात बहुत ही खास है, इनके बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। सच कह रहे हो? क्या ये सच है? ए दिवाकर, दामोदर, यहाँ आओ, आओ सब आओ। सुना तुमने, मेरा दोस्त सब पुरानी बातें भुलाकर अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। रामचंद्र, मेरे घर में आकर मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो उठ। ये क्या रामचंद्र, पहले तो पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की और आज यहाँ मुंह उठा कर चले आए। ओ, शायद तुम्हें पता चल गया कि मैं मेयर बनने वाला हूँ, हैं? या फिर मेरी बेशुमार दौलत देखकर भिखारी के मन में लालच पैदा हो गया, हैं? आज मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है कि बड़े बड़े करोड़पति और सेलिब्रिटीज सिर्फ मुझसे अपॉइंटमेंट पाने के लिए तरसते हैं और तू मेरे घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं है। तेरे औकात मेरी जूती से भी कम है। धनंजय, ज़बान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारे गांव का वो कमजोर धनंजय नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। डी ब्रदर्स का चेयरमैन हूँ और इस शहर का होने वाला मेयर। अब अपना सर झुकाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना कुत्तों की तरह भगाऊंगा। उसके अगले ही दिन उनसे झूठ कहकर कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ चला आया अपनी माँ का वचन पूरा करने, मेरे पापा के साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने और चिट्टी को घर की बहू बनाने। कार्तिक, अगला प्रोजेक्ट मिलने तक हम लोग भी फ्री हैं। हम तेरे साथ आ सकते हैं, पर हमें करना क्या होगा? धनंजय को अपनी बेटी के स्टेटस का बहुत घमंड है, तो पहले घमंड ही तोड़ेंगे। कहते हैं कि आपके कान में इच्छाएं बताने से इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे पास भी एक विश है। मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग मेरी शादी करवाते, मुझे मेरे प्यार से मिलवा दो। दीदी, अंकल ने आपको बुलाया है। दीर्घायुष्यमान पंडित जी। हाँ? आजकल कुछ भी सही नहीं हो रहा है,
मेयर की पोस्ट भैया के हाथों में आते आते रह गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, एक अशुभ ग्रह आपके भाई की कुंडली में है जिसकी वजह से ये ग्रहण लगा हुआ है। इनका शिकार तो पक्का है। धनंजय जी, क्या आप अपनी बेटे के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? अमरीकी बिजनेस में नायडू जी के बेटे के लिए बात चल रही है। एक बार लड़की की उम्र हो जाए तो उसे विदा करना ही ठीक रहता है। कहीं किसी के साथ भाग गई तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिना हमारी रजामंदी के मेरी बेटी रुमाल भी नहीं खरीद सकती, समझे तुम? शादी हमारी मर्जी से ही होगी, वरना वो कुंवारी ही मर जाएगी। कोई लड़का अगर उससे प्यार करने की भूल करेगा तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, और अगर मेरी बेटी किसी से प्यार करेगी तो उसे वही के वही काट दूंगा। समझ गई ना? चिट्टी यहाँ एरोबिक्स के क्लासेस के लिए आती है। चल थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। ठीक है कार्तिक। ये गलत है भाई, लड़कियां वहाँ पतली हो रही है, हम खड़े खड़े मोटे हो रहे हैं। अबे साइज जितना तगड़ा रहता है ना, मार्केट में डिमांड उतनी ज्यादा होती है। भाई टाइगर आ रहा है। धड़कता हुआ दिल और तेजी से धड़कने लगा। ये हमसे एरोबिक्स के बदले मुजरा कराएगा। चलो। किसको फोन कर रहा है? बॉस को टाइगर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? बताने से कुछ नहीं होगा। वो तीनों भाई हमें इसे पकड़ने का ऑर्डर देंगे और फिर ये हम सबका भरता बनाएगा, और फिर वो तीनों भाई भी। पता है तू बैंगन जैसा दिखता है, पर तेरा भरता बनते मैं नहीं देख सकता। बैंगन दिखता हूँ भाई। मेरे बैंगन के रसगुल्ले। हम कभी भी उन तीनों भाइयों को ये बताएंगे नहीं कि यही वो टाइगर है। कसम पैदा करने वाले की। काश यही चित्रा होती। क्या लड़की है। चला। देखा, हमें देखते ही उन लड़कों ने अपने चलने का स्टाइल बदल दिया। उन्हें लगता है लड़कियां उनको देखते ही उनकी बाहों में गिर पड़ेंगी। थैंक गॉड उसने इंदु को पकड़ लिया। देख झबरू देख, इसे कहते लग बाय चांस। अब तुम बिल्कुल सेफ। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे पकड़ा कैसे? मैंने क्या गलत किया? इस कांच की गुड़िया को नहीं पकड़ता तो टूट जाती। कहते हैं कि अगर किसी गिरती हुई लड़की को बचा लो तो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। क्यों सही का? तुम लड़के कितने चीप होते हो, बस मौका मिला नहीं कि लड़की को पकड़ लो। जरूरत से ज्यादा ही बोल रही हो। क्या कर लोगे तुम? मारोगे? मारोगे? इतनी हिम्मत की मेरी कॉलर पकड़ ली? अंदर कहीं के। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, फिर से यहाँ दिखे तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। अरे जा जा, शराब पीकर तेरे घर के सामने इतना हंगामा करूंगा कि सो नहीं पाएगी। मैं अपने गली के कुत्तों को छोड़ दूंगी। जा, हवा आने दे। तेरी हवा तो मैं निकालूंगी। धनंजय की बेटी को बुला दीजिए मैम। वो तो अभी यहाँ से गई। जिसने कॉलर पकड़ ली कहीं वही लड़की चिट्टी तो नहीं? ये देखो धनंजय का घर। मैं दीवार कूद के जाता हूँ और चिट्टी को देख के आता हूँ। चित्रा बचपन में कितनी क्यूट और चुलबुली थी, पता नहीं अब कैसी दिखती होगी। अरे लक्ष्मी कहाँ हो, जल्दी आओ। छोटी मालकिन के कमरे में दूध रख के आती हूँ। छोटी मालकिन का कमरा यानी मेरी चित्रा का कमरा? लगता है नहा रही है। इस वक्त यहाँ रुकना ठीक होगा। मेरी मंगेतर है। चित्रा को पहली बार देखने वाला हूँ, चेहरे के सिवाय कुछ नहीं देखूंगा। हेलो। हेलो भाग्यश्री, आई लव यू जान। भरत, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करूंगी। प्लीज ऐसा तो मत कहो, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं बहुत अच्छी फैमिली का लड़का हूँ, तुम्हें खुश रखूंगा। देखो, लव मैरिज तो मैं करूंगी नहीं, शादी की भी तो अरेंज्ड मैरिज होगी, वो भी पापा की मर्जी से। भाग्यश्री की जिंदगी में लव आ ही नहीं सकता। तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। ओके बाय। ओह, यानी मेरी चिट्टी का असली नाम भाग्यश्री है। मेरा भाग्य खुल गया। एक दिन तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी,
ये मेरा वादा है। ये क्या भाग्यश्री, मैंने अपना कमरा इसलिए दिया ताकि तुम जल्दी तैयार हो सको। पार्टी में सारे दोस्त वेट कर रहे हैं। बट आई एम रेडी। तुमने उसे देखा, कैसी दिखती है? उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी चिट्ठी माला रेड्डी कॉलेज में पढ़ती है, तो कल से हम उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे। पर कोई सीट भी तो खाली होनी चाहिए। साइट सीइंग करने के लिए सीट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो। हेलो। तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि ना मुझे तुम में इंटरेस्ट है ना प्यार में। Never call me again. ये क्या भाग्यश्री, बेचारा 2 साल से तेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तू तो भाव ही नहीं दे रही। क्योंकि मेरी नजर में शादी से पहले सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता है, शादी के बाद ही दो लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। ओह अच्छा, इसीलिए आई हेट लव स्टोरीज। तुम्हें जिस दिन अपनी पसंद का लड़का मिलेगा, देखना ये सारी की सारी बोरिंग फिलोसफी धरी की धरी रह जाएंगी। मैं भाग्यश्री को अपने प्यार में बांध सके ऐसा कोई लड़का इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये फिर आ गया? मैं तुम्हारे लिए अपना सारा प्यार इस गिफ्ट में रैप करके लाया हूँ, पसंद आए तो रख लो, ना पसंद आए तो जोर की थप्पड़ मार देना, पर मेरा प्यार रिजेक्ट मत करना। तेरा भाई है क्या? मुझे लगा तुम्हारा भाई है। लव का लेसन छोड़ो, पढ़ाई का लेसन पकड़ो। कॉलेज में पढ़ने आते हो या प्यार करने आते हो? ये जरूर तुम्हारे लिए ही आया है। बॉयज, यस बॉस। कॉलेज के हर स्टूडेंट को चेक करो, नोटबुक के हर पेज और मोबाइल के हर SMS को पढ़ो, कौन किस पर डोरे डाल रहा है, मुझे फुल रिपोर्ट चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को सजा मिलेगी। कम ऑन, मूव इट। ओके बॉस, बुक दिखाओ। 9849224343। ये किस लिए? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट। ये कॉलेज है या क्लब, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हम सबको? डिस्टर्ब कर रहा हूँ? कान खोल के सुन लो, कंधों के नीचे शर्ट और घुटनों के ऊपर स्कर्ट नहीं चलेगा। हमारे कॉलेज में आकर हमें टोकने वाले तुम कौन होते हो? इन्हें नहीं जानती। He is the head of anti-lover squad. Anti-lover squad? Anti-lover squad. Anti-lover squad? Yes. मेरे पास कंप्लेंट आई है कि इस कॉलेज के लवर्स की परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन मार्कशीट पे परसेंटेज दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। आज के बाद कॉलेज में सिर्फ क्लेवर बच्चे आएंगे, लवर बच्चे नॉट अलाउड। जानते हो क्यों? आई हेट लव स्टोरीज। इसके ख्याल तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तीर निशाने पर लगा, सीधा दिल पर। सो, आज के बाद इस कॉलेज में ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने वाले को सजा दी जाएगी। नो शॉर्ट ड्रेसेस, नो स्लीवलेस। पूरे कपड़े पहन के निकलो यार। वैसे यहाँ एक लड़की है, भारतीय नारी टाइप के कपड़े पहनकर देवी जैसी लगती है। क्या नाम है उसका? भाग्यश्री। हाँ याद आया, भाग्यश्री। उससे जाके कुछ सीखो यार, कैसी आदर्श भारतीय नारी है वो, कितना दिखाना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए, ये सब एक कला होती है, वल्गर नहीं लगना चाहिए। तो बेसिकली कल से तुम सब उसके जैसे तैयार होकर कॉलेज आना। मैंने जो कहा भाग्यश्री ने सुना ना? कॉलेज के रूल्स बनाने वाले तुम कौन होते हो? और भी प्रिंसिपल के पास जाती हूं। जो करना है कर लो, अगर उनमें भी थोड़ी अकल है ना तो मेरे रूल्स फॉलो करेंगे। सर, एक गुंडा अपने आप को एंटी लवर स्क्वाड का हेड बताकर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये बात है, अच्छा किया, वो बिल्कुल सही कर रहा है। ऊपर से कंप्लेन आई है कि ये कॉलेज कैंपस कम और लवर्स पार्क ज्यादा दिखता है, इसीलिए एंटी लवर स्क्वाड को बुलाया है। लेकिन सर, ऐसे रूल्स किसी और कॉलेज में नहीं है। ये जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर, और अब मैं भी तुम्हें जीओ कह रहा हूँ। गो 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 गो। क्यों सर, ये ऑर्डर ऊपर से आया क्या? ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं है। कल एक लड़का मेरे घर पर आया था, एंट्री तो जबरदस्त मारी है। हीरो हो या विलन? एंट्री तो हीरो की ही थी, बाकी आप जैसा समझे। वेरी गुड, मुझसे क्या चाहते हो? सिंपल सर, मुझे और मेरे दोस्तों को आपके कॉलेज में जॉब चाहिए। मेरी कॉलेज में कोई पोस्ट खाली नहीं। नो प्रॉब्लम सर, हम खुद ही पोस्ट क्रिएट करके ज्वाइन कर लेंगे। नो सैलरी? सर्विस फ्री। फ्री में क्यों भाई? आपके कॉलेज की एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए। व्हाट आर यू टॉकिंग? लड़की पटाने के लिए तुम मेरी कॉलेज में नौकरी करोगे और मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा? दिस इज इम्पॉसिबल। निकलो यहाँ से। ठीक, क्या मनहूस जिंदगी है। बचपन में मैंने चोरियां की, दंगे फसाद करवाए, किडनैपिंग, स्मगलिंग, क्या क्या नहीं किया। फिर मंथली मेंटेनेंस भरने के लिए मर्डर तक किए हैं मैंने। अब मैंने खुद को बदलने का सोचा, क्राइम स्टोरी को लव स्टोरी में बदलने का फैसला किया मैंने, लेकिन उसके लिए लड़की की जरूरत है ना? बिल्कुल है। प्रिंसिपल सर, अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ते हैं आप। आपसे अच्छा तो उस मॉडल कॉलेज का प्रिंसिपल रेड्डी है सर, जो पैसे लेकर हमें नौकरी देने को तैयार है। उस कॉलेज में पद्मावती है, मैं उसकी आस में जीवन गुजार लूंगा। रुको, तुम जैसे नेक और काबिल लड़के को मैं उस घटिया कॉलेज में काम नहीं करने दूंगा। यू आर अपॉइंटेड इन माय कॉलेज। थैंक यू सर। तो आपने उस गुंडे को नेक और काबिल कहकर इस कॉलेज में नौकरी दे दी? छह, वो पद्मावती कोई और नहीं, मेरी बेटी है। क्या? हाय इंदु। हाय, कैसी हो तुम? खुश तो हो ना?
वेरी हैप्पी। हाय इंदु, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? आज तक उस मददगार फरिश्ते का पता नहीं चला। घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। सिर्फ फोन पर आवाज सुनी थी, ना जाने वो कब मिलेगा। डोंट वरी, तुम्हारा प्यार ऑनेस्ट है, शायद वो खुद ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। बस उम्मीद मत खोना। मेरे पास उम्मीद के अलावा है ही क्या। बाय पूर्वी।